हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनिल फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। मैं सेल्स एंड रिटेल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट पे आ गया हूं, अंतिम प्रहार की सीरीज ले आया हूं। मुझे पता है डिले हो गया है, टेक्निकल फॉल्ट आया था, लेकिन समटाइम्स इट्स हैपन। लेकिन हमें निराश नहीं होना, बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। लेकिन इस सब्जेक्ट के साथ एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम यह है कि ये सब्जेक्ट है लेंदी। सबसे ज़्यादा सिलेबस इस सब्जेक्ट के अंदर कवरअप करना होता है बच्चे को। एक बिजनेस एनवायरमेंट हमने देखा था फर्स्ट सेम के अंदर, और एक ये सब्जेक्ट हम देखने को मिलते हैं जिसका ऑलमोस्ट सेम जो कह सकते हो सिलेबस जो है सेम लेंथ का है। 40% स्टूडेंट, एक नंबर्स के साथ और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, 40% स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं कि सर ये क्वेश्चन आता था लेकिन टाइम नहीं मिला। यानी कि टाइम मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट के अंदर एक बहुत ही क्रूशल की होने वाली, जो आपके नंबर्स को 10-12 नंबर को बढ़ा या कम कर सकता है। क्योंकि इसके अंदर आंसर तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, बहुत सिंपल पेपर है, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता है, बच्चे एंड तक नहीं कर पाते। इसलिए टाइम मैनेजमेंट करके चलिएगा कि आपको 3 आवर्स का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है, है ना। अब फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर आ जाता है कि पर्सनल सेलिंग क्या होती है और टाइप्स ऑफ द सेल्स पर्सन क्या क्या होते हैं। तो पर्सनल सेलिंग डायरेक्ट सेलिंग को ही बोलते हैं, जब कंपनी अपना डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करती है और वो आके कस्टमर को सेल करता है और उसको बायर में कन्वर्ट करता है, तो वो पर्सनल सेलिंग कहलाती है। लेकिन बुक की लैंग्वेज में कहा जाता है पर्सनल सेलिंग इज नॉट जस्ट अबाउट द ट्रांजेक्शन, इट्स अबाउट बिल्डिंग रिलेशन, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड एंड गाइडिंग टूवर्ड्स द सेटिस्फाइंग परचेज। तो वही बात कह रहा हूँ कि बात सीधी सी है लेकिन थोड़ी खींच के हर जगह लिखी हुई है। अब टाइप्स ऑफ द सेल्स पर्सन जानने से पहले थोड़ा पर्सनल सेलिंग के अपन को आइडियोलॉजी, इसके कॉन्सेप्ट, इसके बेनिफिट और इफेक्टिव पर्सनल सेलिंग के बारे में जानना जरूरी है। क्योंकि ये भी ऐसा ही तो सीधा सीधा पर्सनल सेलिंग क्या होती है इतना सा पूछेगा नहीं, आगे भी चीज़ें आएंगी। जैसे कोर क्या होते हैं, यानी कि की एस्पेक्ट क्या है इसके, लाइक कस्टमर का फोकस होता है ना। पर्सनल सेलिंग में किसके ऊपर फोकस होता है, कस्टमर के ऊपर फोकस होता है। प्रोडक्ट का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि जो भी एजेंट होता है उनको इंटेंसिव ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको इस प्रोडक्ट के बारे में सिखाया जाता है ना। प्रेजेंटेशन की स्किल होने चाहिए, क्योंकि पर्सनल जो डायरेक्टली सेल कर रहा है वो प्रेजेंटेबल होना चाहिए, वो क्यों ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्शन आए तो उसको हैंडल करना आना चाहिए और उसको सेल को क्लोज करने भी आना चाहिए। क्लोजिंग ऑफ द सेल भी एक इंपॉर्टेंट टास्क और इंपॉर्टेंट आर्ट होती है, इसको भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह आएगा ये आगे, तब इसको अच्छे से और समझेंगे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, बेनिफिट क्या होगा इफेक्टिव सेल करने का, बेनिफिट यही होगा कि सेल्स बढ़ जाएगी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा, एक रिलेशनशिप बिल्ड होगा, क्योंकि ये सर्वे का भी काम करते हैं, इसके साथ ब्रांड की इमेज भी इंक्रीज हो जाएगी। और इफेक्टिव सेल्स टेक्निक क्या है, अब अगर इफेक्टिव सेल्स टेक्निक की बात करें जाए कि अच्छा सेल्स पर्सन कैसे बनेगा, है ना, तो सबसे पहला उसको क्या काम होना चाहिए, उसको सुनना चाहिए, यानी कि एक्टिव लिसनर होना चाहिए। लिसनर सुनना और ध्यान से सुनना, एक्टिव लिसनर होना चाहिए, यानी कि वो बात समझे और उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्ड करे। फीचर बेनिफिट सेलिंग, अब ये फीचर बेनिफिट यानी प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताएं। अब ये बहुत तरीके के सेलिंग की टेक्निक्स हैं, थ्योरीज हैं, आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे अपन। और ट्रस्ट बिल्ड करें, फॉलो अप भी करें, एक अच्छा सेलर वही है पर्सनल सेलर। अब डायनेमिक वर्ल्ड के अंदर सेल्स पर्सन के टाइप्स बताए गए, वैसे तो कोई टाइप होते नहीं है, अगर पर्सनल प्रैक्टिकल वे के अंदर बोला एक ही सेल्स पर्सन डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर ये बिलोंग करता है। लेकिन बुक के अंदर 3 टाइप्स दे रखे हैं। पहला होता है ऑर्डर टेकर, ऑर्डर टेकर वो बंदे होते हैं जो कस्टमर के पास नहीं जा रहे, जिसमें कस्टमर खुद अप्रोच कर रहा है। लाइक जियो की सिम, जियो की सिम में जहाँ कैनोपी लगी हुई बैठी थी स्टार्ट में, आज नहीं, आज तो भाव बढ़ गए हैं, है ना, जहाँ कैनोपी लगी बैठी हुई थी वहाँ पे बंदा जा रहा था और रजिस्ट्रेशन कराता था, वो ऑर्डर टेकर थे। क्लियर हो रही है ना बात, तो वो ऑर्डर टेकर थे, उनका फोकस क्या था, उनको एफिशिएंस कम भी हो, प्रोडक्ट नॉलेज कम भी हो, लेकिन कस्टमर आगे से आ रहा था। नेक्स्ट होता है ऑर्डर क्रिएटर, ये सबसे मेन रोल प्ले करते हैं, ये वो व्यक्ति होते हैं जो डायरेक्टली मार्केट में जाते हैं, अप्रोच करते हैं कस्टमर को और ऑर्डर क्रिएट करते हैं। गेटिंग माई पॉइंट, यानी कि ये फर्स्ट टाइम कस्टमर से मिल रहे होते हैं और ऑर्डर को क्रिएट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑर्डर गेटर। अब ऑर्डर क्रिएटर का क्या काम होता है, क्रॉस सेलिंग या अप सेलिंग का काम होता है, यानी कि एक एग्जिस्टिंग कस्टमर तो है जिसको हम यह प्रोडक्ट दे रहे हैं, लेकिन वो उसको क्रॉस सेलिंग भी करे, है ना। शर्ट लेने जा रहा है तो पेंट भी दे दें, पेंट लेने आया है तो शर्ट भी दे दें, शर्ट पेंट लेने आया है तो उसके साथ शूज़ भी दे दें, शूज़ लेने आया है तो उसके साथ बेल्ट भी दे दें, पर्स भी दे दें, परफ्यूम भी दे दें, नैपकिन भी दे दें, सारी चीज़ें दे दें, यानी क्रॉस सेलिंग अप सेलिंग का काम किया जाता है वो ऑर्डर गेटर का। ये थोड़े से रीजनेबल, प्रोडक्ट का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन की स्किल अच्छा होना चाहिए, प्रोएक्टिव सेल्स अप्रोच होनी चाहिए,
सर नया स्टॉक आया है शर्ट्स के अंदर, आपने अच्छे लिए, नया स्टॉक आया है जीन्स में भी, आप एक बार ट्राई करिए, टी शर्ट में भी नया स्टॉक आया है, एक बार ट्राई करिए, एक बार देखिए तो सही, ये तो लेके जा रहे हैं, ये तो डन कर दिया हमने, लेकिन एक बार ट्राई करिए, अरे भाभी जी के लिए भी एक बार कुछ लेके जाइए। तो ये ऑर्डर गेटर वाले पॉइंट होते हैं। अब क्या होता है कि यूजुअली तो जैसे मैंने आपको कहा प्रैक्टिकल वे के अंदर एक ही व्यक्ति तीनों चीज़ें कर रहा होता है, लेकिन बुक के अंदर अलग अलग है। कौन सा व्यक्ति बेस्ट फिट होता है कंपनी के अंदर, तो देखना होता है कौन से टारगेट मार्केट को हमको टारगेट करना है, प्रोडक्ट मिक्स कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं। प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? प्लेस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, इन चारों का मिक्सचर प्रोडक्ट मिक्स होता है। और ओवरऑल हमारी सेल्स की स्ट्रेटजी क्या है, यही सारे पॉइंट्स अपन को कवर अप करने होते हैं। थोड़ा सा स्पीड में मैं चल रहा हूँ क्योंकि समय काफ़ी हो गया है और काम काफ़ी अभी भी पेंडिंग है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।